हेलो गाइस, वेलकम टू डूअर क्लासेस। डूअर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश, आज आपके लिए द हिंदू आर्टिकल लेके आया हूँ। आज का डे है फ्राइडे, नवंबर 23, 2018। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का टॉपिक। आज हमने सिंगल फाइल आर्टिकल चूज़ किया है और आज का टॉपिक है गांधी अपोस्ट पार्टीशन। गांधी जी ने विरोध किया पार्टीशन माने बंटवारे का या विभाजन का, ठीक है ना। आपको पता है कि आज का जो यूथ जनरेशन है वो ये मानता है कि सिर्फ गांधी जी ही रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टीशन के लिए, लेकिन हकीकत क्या है? सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने से पार्टीशन हो जाएगा पूरे देश का? अगर ऐसा होना होता तो इतने लंबे समय तक गांधी जी को सत्याग्रह से लेकर के पता नहीं कौन कौन से आंदोलन करने पड़े। तो इतने आंदोलन करने के बाद फिर जाकर के सारे भारतीय एकजुट होते और मतलब देश मतलब कहने का आज़ाद होता इतने दिनों के बाद, क्या वो एक एक दिन में काम नहीं हो जाता? तो पार्टीशन के लिए पर्टिकुलर एक व्यक्ति को मतलब दोषी ठहराना, क्या ये उचित होगा? आप अपने दिमाग से सोचिए और आपको आंसर मिलेगा। इसके मतलब कहने का कि पार्टीशन के फेवर में और भी कुछ थे, ठीक है ना, और अपोज में भी कुछ और रहे होंगे, लेकिन जिसका पलड़ा भारी हुआ उसी का रिजल्टेंट सामने आ गया। तो कहने का मतलब कि सारा का सारा दोष सिर्फ गांधी जी पर मार देना, ये उचित है या नहीं, ये आपको जज करना है यहाँ पर। अच्छा, ये फीलिंग आती कैसे है कि मतलब गांधी जी रिस्पॉन्सिबल हैं पार्टीशन के लिए? असल क्या है ना, हमारे इन्वायरमेंट में, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं उसी आधार पे आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पता हो जाता है कि गांधी जी ने बंटवारा करवाया है, ठीक है, उन्होंने पढ़ा नहीं है। इनफैक्ट क्या अगर सही बात की जाए तो जो बड़े हैं उन्होंने जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने भी डीपली ना पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा मान लेते हैं जैसा किसी ने कह दिया वैसे ही हमने मान लिया। तो चीज़ों को जब तक आप अपने से ना पढ़ें तब तक उसे इतना आसानी से नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आपकी विचारधारा पर्टिकुलर व्यक्ति से प्रभावित हो जाती है। आजकल का पर्सन जो है ना बड़ा इंप्रेशनेबल हो गया है, और उसमें सबसे बड़ी खामी ये होती है कि आप अगर थोड़ी देर तक मोदी जी का लेक्चर सुन लोगे तो लगेगा कि वाह वाह मोदी जी बढ़िया है, थोड़ी देर तक और किसी का लेक्चर सुन लोगे तो ये लगेगा कि अरे मोदी जी बेकार हैं, दूसरा बढ़िया है। तो मतलब इम्प्रेशनेबल है, हम लोगों की थिंकिंग इतनी कमज़ोर हो गई है जिससे क्या होता है कि हमारी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं होती, हमारा अपना कोई उद्देश्य नहीं होता, हम जिसके बारे में सुनते हैं उसी की तरह बनने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर तक मोटिवेशनल कोट सुन लिया तो पता लगा कि मोटिवेट हो गए, और एक घंटे बाद घर से फ़ोन आ गया तो पता लगा डिमोरलाइज हो गए। तो ये प्रॉब्लम जो है यही रीज़न होता है कि हमारा पर्टिकुलर कोई मतलब कहने का थॉट स्टेबल रह ही नहीं पाता, इसलिए हम बड़े ही इन्फ्लुएंशियबल हैं, इंप्रेशनेबल हो जाते हैं, आसानी से मतलब प्रभावित हो जाते हैं किसी भी बात से। तो ये चीज़ जो है मतलब सिर्फ मैंने इसलिए बताई आपको कि गांधी जी के बारे में जो विचारधाराएं हैं वो उसे थोड़ा सा प्लायबल बनाइए, थोड़ा फ्लेक्सीबल बनाइए, जिससे कि आपको और भी चीज़ें वहाँ पर जानने का मौका मिल सके। जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही एक पर्सपेक्टिव निर्धारित कर लेते हो कि ये व्यक्ति ऐसा है तो उसके बारे में जानने का प्रयास ही नहीं करते। अगर आप जान लोगे कि इंग्लिश टफ होती है तो आप इंग्लिश पढ़ने का प्रयास ही नहीं करोगे। थोड़ा जानिए उसके बारे में, फिर खुद जज करिए कि वास्तव में वो टफ है या नहीं है, ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि हर चीज़ बहुत ईजी है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि गांधी जी ने पार्टीशन का अपोज किया, ये मोहम्मद आयूब जी कह रहे हैं। इन्होंने कौन कौन से पर्सपेक्टिव सामने रखे हैं, कौन से फैक्ट्स रखे हैं सामने, वो आप यहाँ पर सुनेंगे और जानेंगे, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए इन फैक्ट्स के आधार पर कि क्या निकल के आता है। फिर कुछ अपने से भी पढ़ सकते हो जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि किस व्यक्ति की विचारधारा कैसी रही होगी, ठीक है। ब्लेमिंग गांधी फॉर पार्टीशन, विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराना, आरोपित करना, एंड बाय इम्प्लीकेशन मतलब होता है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से, लियोनाइजिंग हिज असैसिन माने उनके हत्यारा, गांधी जी के हत्यारे को लियोनाइज करना। लियोनाइज का मतलब होता है टू ट्रीट समबडी इन अ फेमस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, मतलब क्या है, बहुत ही अच्छे ढंग से किसी को ट्रीट करना, एक अच्छी पदवी दे देना, उसे फेमस कर देना, ये होता है लियोनाइज करना, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि गांधी जी को विभाजन के लिए आरोपित करना और अप्रत्यक्ष रूप से उनके हत्यारों को बढ़ावा देना, उनके हत्यारों को फेमस करना, इज़ द वर्स्ट फॉर्म, ये सबसे बुरा रूप है ऑफ हिस्टोरिकल रिविजनिज्म, ऐतिहासिक संशोधनवाद का। अब ये रिविजनिज्म संशोधनवाद क्यों पढ़ा? रिविज़न क्या होता है? रिविज़न मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर आप पुरानी गलतियों को सुधार करके मतलब रिवाइज करते हो, दोहराते हो चीज़ों को और गलतियों को सुधार करके और उन इम्प्रूवमेंट्स को पुट अप कर देते हो, मतलब जो मैटर है आपका इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐतिहासिक जब संशोधनवाद चल रहा है उस दौरान गांधी जी को मतलब ऐतिहासिक संशोधनवाद मतलब कहने का इतिहास को कुछ अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ अलग ही रूप दिया जा रहा है, तो उस रूप में गांधी जी को पार्टीशन के लिए आरोपित करना और अप्रत्यक्ष रूप से उनका जो हत्यारा है उसको हीरो बना देना, ये क्या है,
ये जो है मतलब ऐतिहासिक संशोधनवाद का सबसे बुरा रूप है, ऐसा कहना है मोहम्मद आयूब जी का। तो आइए टॉपिक को पढ़ते हैं, जानते हैं गांधी जी के पर्सपेक्टिव के बारे में और जो र्यूमर्स फैल रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये भी आपको जानने को मिलेंगी, विथ सम स्पेशल ग्रामर पॉइंट्स एंड वोकैब्स। आइए जानते हैं आगे। आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित हो गया, ये मोहम्मद आयूब जी कह रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित हो गया व्हेन, जब अ यंग मैन, यंग इंडियन प्रोफेशनल, एक नवयुवक भारतीय प्रोफेशनल व्यावसायिक ने रिसेंटली, हाल ही में, एडवाइज्ड मी, मुझे सलाह दी टू लिसन टू द ऑडियो टेप, कि मैं ऑडियो टेप को सुनूं ऑफ नाथुराम गोडसेज स्पीच, नाथुराम गोडसे के भाषण की, नाथुराम गोडसे की भाषण की जो ऑडियो टेप है मैं उसको सुनूं, ऐसा एक रिसेंटली इंडियन प्रोफेशनल ने मुझे सलाह दी। कैसा भाषण? इन द कोर्ट, जो कि कोर्ट में दिया गया था। कैसा कोर्ट? ट्राइंग हिम, ट्राई वर्ब को जानेंगे, ट्राई वर्ब का मतलब होता है किसी का, एक तो प्रयास करना मतलब होता है, सभी लोग आप वेल फेमिलियर है इससे, एक ट्राई वर्ब का मतलब होता है कि किसी पर मुकदमा चलाना। तो जैसे कोर्ट वगैरह है, जब वो सबूतों की जांच पड़ताल करता है कोर्ट में किसी व्यक्ति के दोष के प्रति, तो होता है उसके, उसे कहते हैं मुकदमा चलाना। तो कोर्ट क्या कर रहा था? ट्राइंग हिम, उन पर मुकदमा चला रहा था, किस लिए? फॉर महात्मा गांधी इज मर्डर, महात्मा गांधी जी के हत्या के लिए, ठीक है। टू गेट, प्राप्त करने के लिए, द राइट पर्सपेक्टिव, सही दृष्टिकोण, ऑन बोथ, दोनों ही पर, कौन? गांधी एंड गोडसे, ठीक है ना। तो मैं अचंभित हो गया जब एक नया मतलब नवयुवक भारतीय व्यवसायी ने हाल ही में मुझे सलाह दी कि एक आप जो है नाथुराम गोडसे के भाषण की ऑडियो टेप को सुनिए, टू गेट राइट पर्सपेक्टिव, अगर आप सही दृष्टिकोण जानना चाहते हो दोनों ही के बारे में, कौन? गांधी जी और गोडसे, दोनों के ही पर्सपेक्टिव के बारे में सही दृष्टिकोण रखना चाहते हो, तो आप गोडसे की क्या करो, स्पीच की मतलब ऑडियो टेप सुन लो, ठीक है। और कैसी स्पीच? जो कि कोर्ट में उन्होंने, नाथुराम गोडसे जी ने दी थी। कब दी थी? जब वो महात्मा गांधी के खिलाफ, जो महात्मा गांधी की हत्या के दौरान, मतलब जब उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, तो उस समय उन पर जो कोर्ट में मुकदमा चलाया था उस दौरान उन्होंने कोर्ट में जो भाषण दिया था उसको आप सुनिए, ये कहने का मतलब है। एडवाइज समबडी, एडवाइज वर्ब को आप नोटिस करेंगे, यहां पर एसई आया है तो वर्ब के फॉर्म में होगा, अगर सीई होता तो ईडी नहीं लगता, फिर एडीवीआईसीई ये नाउन होता है, एडीवीआईएसई जो होता है ये वर्ब होता है, जब एसई आता है इसी तरह प्रैक्टिस में होता है, जब लास्ट में सीई होगा तो नाउन होगा, एसई होगा तो वर्ब होगा, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते रहे हैं। ऐसे ही डिवाइस होता है, डीईवीआईसीई जो होता है ये नाउन होता है, और ऐसी जो अगर लास्ट में लगा दोगे सीई की जगह तो वो आपका वर्ब हो जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है, वर्ब की जगह वर्ब भरेंगे, नाउन की जगह नाउन, ठीक है। रिसेंटली एडवाइज, अगर यहाँ सीईडी हो जाता तो गलत हो जाता, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान देनी है। और ट्राई समबडी फॉर समथिंग, किसी पर किसी चीज के लिए मुकदमा चलाना, कोर्ट ट्राइंग हिम फॉर महात्मा गांधीज मर्डर, है ना, तो यहां पर ट्राई हिम, इन पर मुकदमा चला रहे हैं किसके लिए? महात्मा गांधी जी के हत्या के लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एन ऑब्वियस एडमायरर ऑफ गोडसे, एन एक ऑब्वियस माने होता है स्पष्ट, क्लियर, है ना, एक्सप्लिसिट, कहते हैं कि एक स्पष्ट प्रशंसक ऑफ गोडसे, गोडसे के एक स्पष्ट प्रशंसक के रूप में, ही फाउंड, उन्होंने पाया द असैसिन्स रैंट, असैसिन माने एक हत्यारे की, वो वही गोडसे जी के, गोडसे के, और रैंट, रैंट होता है एंग्री स्पीच, मतलब कहने का जिसमें आप खूब अपनी अपनी बड़ाई करो, खूब जोर शोर से बड़ी दमदारी के साथ चीज़ों को मतलब कहने का सामने रखो, किसी की मतलब कहने का बुराई करो, या फिर कह सकते हो किसी के बारे में कंप्लेन करो, वो होता है रैंट, ठीक है ना, एन एक्ट ऑफ कंप्लेनिंग समबडी इन ए वेरी लाउडफुल वे, ठीक है ना। तो ये मतलब कहने का, ही फाउंड, उन्होंने पाया क्या, कि एक हत्यारे की, जो मर्डरर है, उसकी रैंट माने एक कठोर भाषण या फिर कठोर मतलब कहने का वक्तव्य, ब्लेमिंग गांधी, जो कि गांधी को आरोपित कर रही है, फॉर, किस लिए? फॉर अबेटिंग, अबेट माने होता है उकसाना, इनकरेज करना, प्रेरित करना, उकसाने के लिए, पार्टीशन कन्विंसिंग, मतलब कहने का बंटवारे की मतलब कहने कंसिडरेशन, विचारधारा, कन्विंसिंग को क्या कहते हैं, भावना, तो बंटवारे की भावना को उकसाने के लिए गांधी जी को आरोपित करने वाली उस हत्यारे की, जो रैंट माने होता है एंग्री स्पीच, जो मतलब कहने का नाराजगीपूर्ण कंप्लेनिंग या भाषण जो दिया गया है, ऐसा उन्होंने पाया, ठीक है। दस इस प्रकार से इम्प्लाइंग, जो कि संकेत दे रही थी दैट की गांधीज असैसिनेशन, जो गांधी की हत्या है, वाज ए लेजिटिमेट एक्ट, लेजिटिमेट माने होता है कानून संगत कार्य है, ऑफ किस चीज़ का, रिट्रीब्यूशन, बदले का, कैरिड आउट, जिसको कैरी किया गया है, मतलब जिसका क्रियान्वयन किया गया है, बाय अ ट्रू इंडियन नेशनलिस्ट, एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवादी के द्वारा।
ठीक है ना, मतलब एक स्पष्ट संकेतक के रूप में, मतलब गोडसे के एक स्पष्ट संकेतक के रूप में उन्होंने पाया कि ये जो असैसिन्स कौन है, भैया ये गोडसे ही तो हैं, इन्होंने तो हत्या की थी गांधी जी की, तो कह रहे हैं असैसिन्स इनकी जो एंग्री स्पीच है गांधी जी को आरोपित करने की, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या उकसाया था पार्टीशन की विचारधारा को और साथ साथ गांधी के हत्या को, मतलब और ये भी निष्कर्ष देती थी वो साथ साथ में एंग्री स्पीच की, गांधी की जी की जो हत्या है वह ये एक वैधानिक कार्य है बदले का, कैसा बदला, जो कि एक सच्चे भारतीय राष्ट्रवादी के द्वारा क्रियान्वित किया गया है, जो बदला लिया गया है इस प्रकार की विचारधारा, पार्टीशन के रूप में एक सच्चे भारतीय मतलब कहने का राष्ट्रवादी ने बदला लिया है गांधी जी की हत्या करके, है ना, इस प्रकार की विचारधारा उन्हें देखने को मिली उस व्यक्ति में, ठीक है ना। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, ये बड़ा ही क्या डिस्टर्बिंग माने कहने का परेशान कर देने वाली बात है, टू हियर ऑफ समथिंग, हियर ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे ना आप, ये ड्रीम ऑफ समथिंग किसी चीज़ का सपना देखना है ना, तो हियर ऑफ समथिंग किसी चीज़ के बारे में सुनना होता है, सिर्फ सेम प्रीपोजिशन फॉलो होते हैं यहाँ पे, हियर ऑफ समथिंग, थॉट ऑफ समथिंग या फिर ड्रीम ऑफ समथिंग, ड्रीम जब वर्ब के फॉर्म में होता है तो ड्रीम ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, बड़ा ही परेशान कर देने वाला है यह सुनना ऑफ दिस रिविजनिस्ट वर्जन, मतलब इस दोहराए गए रूप को ऑफ गांधीज असैसिनेशन, गांधी की हत्या के, गांधी की हत्या को तोड़ मड़ोड़ करके दोहरा करके एक नया वर्जन जो तैयार किया गया है इसके बारे में सुनना एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है, ठीक, दैट जो कि बाय इम्प्लीकेशन माने इनडायरेक्टली जस्टिफाइज माने उचित बताता है गोडसे एक्शन, गोडसे के कार्य को, मतलब कहने का रिविजन ऑफ गांधी जी की हत्या को लेकर के जो रिविजनिस्ट वर्जन आया है, मतलब कहने का दोहराया हुआ नया रूप आया है इस मुद्दे का, वो उसको सुनना एक बड़ा ही डिस्टर्बिंग काम है, ठीक है। और ये रिविजनिस्ट वर्जन करता क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से गोडसे के जो कार्य हैं उनको क्या करता है, जस्टिफाई करता है, उचित बताता है, ठीक है ना। तो वर्जन यहाँ पर रिविजनिस्ट वर्जन जो आया है ये यहाँ पर एंटीसीडेंट का काम कर रहा है और यही जस्टिफाई क्या कर रहा है, रिविजनिस्ट वर्जन ही तो जस्टिफाई कर रहा है, तो ये वर्जन सिंगुलर है इसलिए जस्टिफाइज आया है यहाँ पे, ठीक है ना, गोडसे जी के कार्य को, मतलब गोडसे जी ने हत्या की जो गांधी जी की, इसको उचित बताया है, ठीक है। जो अब जो दोबारा रिविजन हो रहा है हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ों में, क्योंकि हिस्ट्री भी हमारी काफ़ी चेंज करती जा रही है, अपने अपने हिसाब से पॉलिटिशियंस उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा रहे हैं, मॉडिफाई करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत उस पर भी विश्वास करने लायक नहीं रह गया जो नई बुक्स इस तरह प्रिंट होकर के आ रही हैं, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके उनको अपने हिसाब से लिख लेते हैं, तो वो क्या होता है कि बिल्कुल हिस्ट्री को चेंज कर रहा है। इट नॉट ओनली टार्निशेज, टार्निश वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो छवि बिगाड़ने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, टार्निश द इमेज, टार्निश द रिपुटेशन, तो मतलब किसी व्यक्ति की छवि बिगाड़ना, वो बहुत अच्छी वर्ब के रूप में टार्निश को समझा जाता है। टेंट दागी होता है ना, टेंट इसका साइनोनिम होता है, TAINT, टेंट माने दागी या छवि बिगाड़ने के सेंस में। इट नॉट ओनली टार्निशेज गांधीज रिपुटेशन, ये ना सिर्फ गांधी जी की छवि को बिगाड़ती है, बट आल्सो बल्कि और क्या करती है, फ्लाइज इनटू द फेस ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, मतलब कहने का फ्लाई इनटू द फेस ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप कह सकते हो विरोध में होना किसी चीज़ के, ठीक है, टू बी इन अपोजिट ऑफ समथिंग सिंपली कहने का मतलब। तो ये ना सिर्फ गांधी जी की छवि को बिगाड़ती है बल्कि जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं वो तथ्य, जैसे रिकॉर्डिंग हो गई और भी कई सारी चीज़ें जहाँ पर ये स्पष्ट है कि कौन विरोध कर रहा था, कौन सपोर्ट कर रहा था, जो हकीकत में जो फैक्ट्स जो सच्चाई के रूप में अभी भी रखे हुए हैं उन रिकॉर्डेड फैक्ट्स के विरोध में बात है, ठीक है। तो गांधी जी की रिपुटेशन को ना सिर्फ ही दागी करता है बल्कि क्या करता है, जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं, जो दर्ज किए गए तथ्य हैं, उनको भी क्या, उनके भी विरोध में है। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग मतलब अपोजिट ऑफ समथिंग, अपोजिट टू समथिंग, किस चीज़ के विपरीत होना, ठीक है। और इन द फेस ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है कमिंग आफ्टर समथिंग, इन द फेस ऑफ अलग होता है, फ्लाई इन द फेस ऑफ अलग होता है, फ्लाई इन द फेस ऑफ मतलब अपोजिट टू समथिंग, लेकिन मतलब किसी चीज़ के विपरीत होना, और इन द फेस ऑफ समथिंग मतलब कमिंग आफ्टर समथिंग, किसी और चीज़ के बाद आना, ठीक है। दोनों ही मैंने लिखवा दिए हैं, ये फ्लाई इन द फेस ऑफ, ये आज लिखवा दूंगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इन रियलिटी हकीकत में गांधी अपोज्ड पार्टीशन, गांधी जी ने पार्टीशन विभाजन का विरोध किया था, अनटिल जब तक कि द वेरी एंड, एंड यहाँ नाउन है, वेरी माने एक्चुअल, अनटिल जब तक कि एक्चुअल एंड अंतिम रूप से समाप्ति नहीं हो गई, अनटिल द एक्चुअल एंड मतलब अंतिम क्षण तक, ठीक है ना, आप ऐसे पढ़ सकते हो, गांधी जी ने पार्टीशन का विरोध किया था अंतिम क्षण तक, वास्तविकता तो ये है,
However, फिर भी द कांग्रेस लीडरशिप हैड इंक्रीजिंगली साइडलाइंड हिम, लेकिन जो कांग्रेस का नेतृत्व था हैड इंक्रीजिंगली मतलब व्यापक रूप से बड़ी मात्रा में साइडलाइन का मतलब होता है दरकिनार कर देना, किसी व्यक्ति को पार्टिसिपेट ही ना करना, करने देना, बाहर कर देना, मतलब कहने का ग्रुप से, ठीक है, एक तरह से ये होता है। तो कांग्रेस की नेतृत्व ने क्या किया, फिर भी कांग्रेस के नेतृत्व ने व्यापक रूप से इनको गांधी हिम माने गांधी जी को दरकिनार कर दिया बाय द एंड ऑफ 1946 के अंत तक, ठीक है। बाय दैट टाइम, उस समय तक जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल हैड कम टू एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ पार्टीशन, जवाहरलाल नेहरू और जो सरदार पटेल थे हैड कम, वो आ चुके थे टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए द आइडिया ऑफ पार्टीशन माने विभाजन के विचार को, विदाउट इवन बिना कोर्ट सी माने होता है शिष्टाचार ऑफ कंसल्टिंग गांधी जी से सुझाव लेने का जो शिष्टाचार है उस पर भी ध्यान न देते हुए, ठीक है ना, मतलब कहने का कि बाय दैट टाइम, उस समय तक 1946 के अंत तक जब मतलब गांधी जी को दरकिनार कर दिया गया था कांग्रेस की लीडरशिप से, तो उस समय तक जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जो है सामने आ चुके थे पार्टीशन के मतलब विभाजन के विचार को स्वीकार करने के लिए, बिना इतना भी उन्होंने शिष्टाचार नहीं समझा कि गांधी जी कम से कम कंसल्ट तो कर लें, सुझाव तो ले लें। इवेंचुअली अंतिम रूप से द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, जो CWC इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब आगे जब भी यूज करेंगे तो CWC लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, कांग्रेस की कार्यकारी समिति जो है, कमिटी की स्पेलिंग मैंने पूछी भी थी, काफी लोगों ने करेक्ट एग्जाम आंसर्स दिए थे, ठीक है ना, कमिटी की स्पेलिंग ये है, आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो कांग्रेस की जो कार्यकारी समिति है उसने एक्सेप्टेड द माउंटबेटन प्लान, स्वीकार कर लिया माउंटबेटन योजना को, टू डिवाइड, माउंटबेटन योजना कैसी थी, टू डिवाइड विभाजित करना द कंट्री, देश को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना को कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने स्वीकार कर लिया। इवेंचुअली मतलब होता है अंतिम रूप से, फाइनली लिखिए या इवेंचुअली लिखिए, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। ऑन द मॉर्निंग ऑफ June 3, 1947, मतलब कहने का 3 जून 1947 की सुबह में, द डे, ये कौन सा दिन था, द डे द पार्टीशन प्लान वाज अनाउंस्ड, वह दिन जिस दिन पार्टीशन मतलब कहने का मतलब विभाजन की योजना की घोषणा की गई थी, अनाउंसमेंट किया गया था जिस दिन विभाजन के योजना की घोषणा की गई थी, वह 3 जून 1947 का दिन गांधी टोल्ड, उस दिन क्या हुआ, गांधी टोल्ड राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा, आई कैन सी ओनली इविल इन द प्लान, मैं केवल बुराई देख सकता हूँ इस योजना में, ऐसा गांधी जी के वक्तव्य हैं। आप समझिए कि कैसे गांधी जी मतलब कहने का पार्टीशन का अपोज कर रहे थे और कैसे दिखाया गया कि गांधी जी पार्टीशन का फेवर कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये ना आप जान सकते ना हम, लेकिन जो फैक्ट हैं जो इन्होंने लिखा है द हिंदू में, किसी ना किसी बेस पर ही लिखा होगा, ठीक है। रिएक्टिंग टू अ क्वेश्चन, रिएक्टिंग माने प्रतिक्रिया देना टू अ क्वेश्चन, एक प्रश्न पर, बाय अ रिपोर्टर, एक रिपोर्टर के द्वारा, रिपोर्टर के द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर जवाब देते हुए, कैसा रिपोर्टर, रिपोर्टर पर प्रश्न क्या था रिपोर्टर का, वेदर कि क्या ही वुड अंडरटेक अ फास्ट टू प्रिवेंट पार्टीशन, पार्टीशन को रोकने के लिए क्या वो वुड अंडरटेक अ फास्ट, क्या वो अनशन करेंगे, मतलब कहने का फास्ट रखेंगे, कहने का मतलब ये कि एक रिपोर्टर के द्वारा पूछे गया ये प्रश्न कि क्या पार्टीशन को रोकने के लिए वो फिर से अनशन करेंगे, इस पर रिएक्ट करते हुए, जवाब देते हुए गांधी जी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली डिजेक्टेड रिप्लाइड, गांधी जी ने रिप्लाइड माने जवाब दिया, गांधी जी कैसे थे, गांधी जी की दशा बता रहे हैं यहाँ पे, अनकैरेक्टरिस्टिकली डिजेक्टेड, अप्रत्याशित रूप से, डिजेक्टेड माने निराश थे। अब अनकैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक होता है जो किसी की चरित्र की विशेषता बने, और अनकैरेक्टरिस्टिक जो इनकी चरित्र की विशेषता ना बने, ठीक है। तो अप्रत्याशित रूप से मतलब गांधी जी के चरित्र की विशेषता नहीं थी डिजेक्टेड होना, निराश होना उनके चरित्र में नहीं था, लेकिन वो गैर चारित्रिक रूप से भी निराश दिख रहे थे, ऐसे गांधी जी, उन्होंने उत्तर क्या दिया, उन्होंने इस प्रश्न के जवाब में रिएक्ट देते हुए उत्तर दिया कि इफ द कांग्रेस कमिट्स टू एन एक्ट ऑफ मैडनेस, अगर कांग्रेस करती है पागलपन वाला कोई कार्य करती है, तो डज इट मीन, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आई शुड डाई, मुझे मर जाना चाहिए, मतलब गांधी जी कह रहे हैं, उन्होंने ये उत्तर दिया कि कांग्रेस अगर कोई पागलपन वाला काम करती है तो इसका मतलब क्या ये होगा कि मैं मर जाऊं, ठीक है, ऐसा उनका रिप्लाई था, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मैटर ऑफ रिकॉर्ड मतलब कहने का ये बात जो है रिकॉर्ड में दर्ज है, ठीक है ना, इट इज़ ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड में दर्ज है दैट कि पटेल जो सरदार पटेल जी थे, ऑन एडवाइस ऑफ स्टेट सेक्रेटरी VP मेनन, मतलब कहने का स्टेट सेक्रेटरी जो मतलब कहने का भारत सचिव VP मेनन जो थे, उनके
सलाह पर, जैसे यहाँ पे एडवाइस नाउन आया ना, आर्टिकल द भी लगा, तो ये नाउन जो है, ये एडवाइस, ये नाउन है, इसलिए यहाँ पर सी ई लगा है, ठीक है ना। यहाँ ऐसी होता तो गलत हो जाता। तो स्टेट सेक्रेटरी वीपी मेनन की सलाह पर पटेल जी ने क्या किया, हैड, अब ये पटेल के लिए हैड आ रहा है, ठीक है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, बीच में एक फ्रेज डाल दिया है कि मेनन जी की सलाह पर पटेल जी ने हैड एक्सेप्टेड, स्वीकार किया था द इनएविटेबिलिटी ऑफ पार्टीशन, मतलब कहने का पार्टीशन, विभाजन की अटलता को स्वीकार किया। अटलता मतलब कहने का ये हो गया कि विभाजन होगा 100%, इस बात को स्वीकार किया बाय दिसंबर 1946, 1946 के मतलब दिसंबर में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। एंड हैड सिग्नल्ड, और यही पटेल जी हैड सिग्नल, इन्होंने संकेत दिया दिस इस बात का टू नेहरू, नेहरू जी को भी, ठीक है ना। यह रिकॉर्डेड फैक्ट है, इस बात पर आपको 100% मतलब मानना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डेड फैक्ट है कि पटेल जी ने मेनन जी की सलाह पर ये जो है दिसंबर 1946 में पार्टीशन को अटल रूप से स्वीकार किया था, और इस बात के संकेत नेहरू जी को भी दिए थे। पटेल वाज कन्विंस्ड, पटेल जो थे वो क्या कन्विंस्ड इस बात को, इस कन्विंस, इससे सहमत थे, एज क्योंकि ही लेटर स्टेटेड, उन्होंने बाद में, लेटर माने बाद में, ये लेटर वो वाला है समय के बाद वाला, LATER, मैंने एक क्वेश्चन जो दिया था उसमें अभी कल रिसेंटली, उसमें LATER वाला लेटर होगा, कुछ लोगों ने पत्र वाला LETER कर दिया, तो वो गलत था, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर दो बात की गई थी, एक तो वहाँ पर रेज, तो वहाँ पर जो रेज था, उन्होंने कई लोगों ने रिप्लाई किया था कि RAISE, वहाँ की जगह राइज होगा, राइज नहीं होगा, रेज माने होता है बढ़ोतरी, वेतन में बढ़ोतरी, उसको रेज कहते हैं, ठीक है ना, तो वो करेक्ट था, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, रेज या प्रमोशन, तो वहाँ पर रेज आया था वर्ड, तो रेज बाद में आया था चूंकि, तो ऑब्वियसली उसे बढ़ोतरी के पैसे में, अपने बढ़ोतरी चाहिए थी इनकम में, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ, उसको पैसे की आवश्यकता थी, इस तरह का एक मतलब कहने का मैंने स्पॉटिंग एरर दिया था कल, तो उसमें क्या था, लेटर LATER वाला, वो करेक्शन होगा, तो जिन लोगों ने रिप्लाई किया था उनका करेक्ट होगा वो। तो ही लेटर स्टेटेड, लेटर माने होता है कुछ समय के बाद, स्टेटेड उन्होंने जब ये स्टेटमेंट कहा, ये कहा दैट कि इफ इंडिया इज टू रिमेन यूनाइटेड, अगर भारत को एकजुट रहना है, इट मस्ट बी डिवाइडेड, तो इसको बांटना चाहिए, इसको मतलब कहने का विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये कहने का कि पटेल इस बात से सहमत थे विभाजन की, क्यों, क्योंकि उन्होंने बाद में ये भी कहा था कि अगर भारत को एकजुट रहना है तो इसे बंटना चाहिए, इस पर इसको विभाजित होना चाहिए, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने कहा था। तो सिर्फ पार्टीशन के लिए गांधी जी को रिस्पॉन्सिबल करना, ये कहाँ तक उचित होगा। नेहरू वाज आल्सो इवेंचुअली कन्विंस्ड, नेहरू भी इवेंचुअली मतलब होता है अंतिम रूप से, कन्विंस्ड माने सहमत हो गए थे दैट कि पार्टीशन वाज ए नेसेसरी इविल, पार्टीशन जो विभाजन है वाज ए नेसेसरी इविल, एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक बुराई मतलब ऐसी बुराई है जिसकी हमें आवश्यकता भी है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज जिन्नाज न्यूसेंस, न्यूसेंस होता है मतलब कहने का ऐसी विचार या ऐसी विचारधारा, ऐसा व्यक्ति कोई जो कि आगे चल के समस्या करे, मतलब कहने का समस्या पैदा करने वाली कोई चीज़, उसे न्यूसेंस कहते हैं, ठीक है। तो जिन्ना के जो विपत्ति मतलब समस्या पैदा करने वाले विचार हैं उनको समाप्त न्यूट्रलाइज करने के लिए उद्देश्य, ये ऐसी बुराई है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, कौन, पार्टीशन, पार्टीशन ही है जिसके आधार पर हम जिन्ना से बच सकते हैं, जिन्ना की बुरी विचारधाराओं से, और मतलब कहने का ये आवश्यक भी है, वैल्यू मतलब कहने का न्यूजेंस वैल्यूज मतलब सिंपली यही हो गया कि ऐसे विचारधारा, ऐसी कोई चीज़ या ऐसे व्यक्ति जो कि आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करे, ये मीनिंग है। एंड टू इस्टेब्लिश, और स्थापित करने के लिए अ स्ट्रांग, एक मजबूत, एंड सेंट्रलाइज्ड इंडियन स्टेट, और केंद्रीकृत भारतीय गणराज्य, विच वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, जो कि संभव नहीं हो पाएगा विथ मुस्लिम लीग मिनिस्ट्रीज, मुस्लिम लीग के मिनिस्ट्रीज माने मंत्रालयों के सहयोग से, इन ऑफिस पद में, अगर पद में, ऑफिस माने होता है वही कार्यभार में, देश को चलाने में, अगर मुस्लिम लीग की मंत्रालय आते हैं तो ये संभव नहीं हो पाएगा, इन अनडिवाइडेड पंजाब, मतलब कहने का अविभाजित पंजाब और बंगाल में, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या निकल के आया कि नेहरू भी इस बात से अंतिम रूप से संतुष्ट थे, मतलब सहमत थे कि जो विभाजन है वो एक आवश्यक बुराई है, जिस हमें जिन्ना की जो मतलब कहने का विपत्तिपूर्ण या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो विचारधाराएं हैं उनसे, उनको समाप्त करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता है वो एक ऐसी मतलब नेसेसरी बुराई है यहाँ पर, ये पार्टीशन, ठीक है। और किस लिए ये आवश्यक है, ये स्थापित करने, अगर हमें एक सेंट्रलाइज्ड गणराज्य और मजबूत गणराज्य की स्थापना, भारतीय गणराज्य की स्थापना करनी है, तब भी आवश्यक है, जो कि नहीं हो पाएगा संभव यदि मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का मंत्रालय यहाँ पर कार्यभार में आता है, कहाँ कहाँ, पंजाब और बंगाल के अविभाजित रूप में आता है, ठीक है ना। ये कहने का मतलब, इट इज़ इंस्ट्रक्टिव टू नोट, इंस्ट्रक्टिव मतलब होता है गिविंग ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्टिव अगर कोई चीज़ है मतलब वो बहुत सारी जानकारियाँ दे रही है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब कहने का जानकारीपूर्ण होगा, टू नोट ध्यान देना दैट की
एट द कांग्रेस वर्किंग कमिटी, कांग्रेस की कार्यकारी समिति की जो मीटिंग थी, दैट एक्सेप्टेड, जिसने स्वीकार किया था द पार्टीशन, माने विभाजन के योजना को, देयर वेर ओनली टू डिसेंटर्स, यहाँ पर केवल दो विरोधी थे, बोथ मुस्लिम्स, दोनों ही मुस्लिम थे। मतलब कहने का ये जानकारी बहुत ही ध्यान देने वाली है कि कांग्रेस की कार्यकारी समिति जहाँ पर पार्टीशन योजना को स्वीकार किया गया था, वहाँ पर केवल दो ही ऐसे मुस्लिम, दोनों ही मुस्लिम व्यक्ति, मतलब दो ऐसे व्यक्ति थे जो तो कि विरोधी थे, जो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, ऐसे दो थे और दोनों ही कौन थे, मुस्लिम थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान अपोज्ड द प्लान डिक्लेयरिंग, मतलब कहने का खान अब्दुल गफ्फार खान कौन, सीमांत गांधी, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ये मतलब कहने का ऐसे मुस्लिम व्यक्ति, मतलब पाकिस्तानी हैं जिनको भारत रत्न भी मिला है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो कह रहे हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान अपोज द प्लान, उन्होंने इस योजना का विरोध किया, डिक्लेयरिंग, ये घोषणा करते हुए कि यू कौन, कांग्रेस हैव थ्रोन अस टू द वॉल्स, कांग्रेस ने तो हमें भेड़ियों के हाथ चढ़ा दिया है, मतलब कहने का ये मौलाना आज़ाद ट्रेंचेंट मतलब होता है जोरदार आलोचक ऑफ जिन्ना के एंड द मुस्लिम लीग के। सोचिए मौलाना आज़ाद जी ऐसे थे, ऐसे लीडर थे जो कि जिन्ना के और साथ साथ मुस्लिम लीग के, दोनों के ही कड़े आलोचक थे, एंड फर्वेंटली मैंने बड़े ही जोशीले ढंग से अपोज टू पार्टीशन, पार्टीशन के विरोध में भी थे, ठीक है, विभाजन के विरोध में थे, बड़े ही जोरदार ढंग से, मतलब फर्वेंटली मतलब होता है जोशीले रूप से, ये एग्जाम में आ चुका है वर्ड, ठीक है, ट्रेंचेंट भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी बड़ा ही जोरदार ढंग से होता है, पार्टीशन के जोरदार विरोधी और मुस्लिम लीग और जिन्ना के भी कड़े आलोचक थे, ऐसे मौलाना आज़ाद रिमेन साइलेंट, वो चुप बने रहे, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ऐसे मौलाना आज़ाद कौन रहे, चुप बने रहे, इनडिफरेंस टू हिज फ्रेंड नेहरू, डिफरेंस इन डिफरेंस टू इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, इन डिफरेंस टू मतलब सम्मान में, हिज फ्रेंड अपने मित्र नेहरू के, कैसे नेहरू, हु हैड मूव्ड द पार्टीशन रिजोल्यूशन, जिन्होंने पार्टीशन का प्रस्ताव, पार्टीशन का रिजोल्यूशन पेश किया था, ठीक है, मौलाना आज़ाद जो कि धुर विरोधी थे, मतलब कड़े आलोचक थे जिन्ना और मुस्लिम लीग के, जिन्होंने जोरदार ढंग से पार्टीशन का विरोध भी किया था जोशीले पूर्ण रूप से, वो सिर्फ नेहरू जी के सम्मान में क्या चुप बने रहे, कैसे नेहरू, जो कि पार्टीशन प्रस्ताव को खुद लेकर के आए थे, ठीक है, एवरीवन एल्स हर व्यक्ति इंक्लूडिंग प्रसाद एंड गोविंद वल्लभ पंत, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी और गोविंद वल्लभ पंत जी भी शामिल थे, उनको लेकर के हर व्यक्ति ने वोटेड इन फेवर ऑफ डिवाइडिंग द कंट्री, देश को विभाजित करने के पक्ष में वोट किया, ठीक है, ब्लेमिंग गांधी फॉर पार्टीशन, इसलिए सिर्फ गांधी जी को विरोधी बताना पार्टीशन के लिए, गांधी जी को आरोपित करना पार्टीशन के लिए, एंड बाय इम्प्लिकेशन और इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से, सामने सामने तो कर नहीं सकते कि भाई गांधी जी की जो हत्या करने वाला है उसको तुम पुरस्कृत कर दो, है ना, कि बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए कह रहे हैं बाय इम्प्लिकेशन अप्रत्यक्ष रूप से, लियोनाइजिंग हिज असैसिन, उनके हत्यारे को फेमस ट्रीट करना, बहुत अच्छे से ट्रीट करना, इज द वर्स्ट फॉर्म, ये सबसे बुरा रूप है हिस्टोरिकल रिविजनिज्म का, हम ऐतिहासिक संशोधनवाद का, इनफैक्ट वास्तव में इट इज़ क्राइम, ये एक ऐसा अपराध है विच जिसका ऑल थॉटफुल इंडियंस, हर विचारवादी भारतीय को मस्ट चाहिए कंडेम्न, निंदा करना, अनइक्विवोकली मतलब होता है क्लियरली, खुल करके स्पष्ट रूप से, अनइक्विवोकली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली, जोरदार ढंग से, ठीक है ना, तो ये एक वास्तव में एक ऐसा अपराध है, मतलब कहने का गांधी जी को ब्लेम करने का, कि जिसके हर विचारवादी भारतीय को, जो भी थोड़ी बहुत समझ रखता है, उसको खुल करके स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करनी चाहिए, ठीक है। जब ये मोहम्मद आयूब जी जो राइटर हैं इस आर्टिकल के, द राइटर इज़ यूनिवर्सिटी डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, एक इसी यूनिवर्सिटी के डिस्टिंग्विश्ड बड़े ही विशेष प्रोफेसर हैं, इमेरिटस मतलब रिटायर्ड हैं एक तरह से, पहले पढ़ाते रहे लेकिन इनका टाइटल अभी भी बना है प्रोफेसर का, ठीक है, इमेरिटस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के भी मतलब प्रोफेसर हैं, ये क्या है, मिकीगन स्टेट यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है ना, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है, मोहम्मद आयून जी। आइए पढ़ते हैं अब कुछ वर्ड्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लियोनाइज somebody का मतलब होता है टू ट्रीट somebody एज अ फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन, एक फेमस और इम्पॉर्टेंट पर्सन के रूप में किसी को ट्रीट करना, लियोनाइज करना, ये वर्ड आपने पढ़ा है, ठीक है ना, बाय इम्प्लीकेशन इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से, एग्जाम्पल ही क्रिटिसाइज्ड हर एंड बाय इम्प्लीकेशन हर कंट्री, उसने उसकी तो आलोचना की ही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसके देश की भी आलोचना की। ट्राई somebody फॉर समथिंग मतलब टू एग्जामिन इविडेंस इन कोर्ट एंड डिसाइड, मतलब कह रहे हैं कोर्ट में साक्ष्यों का परीक्षण करना और निर्णय लेना, वेदर somebody इज इनोसेंट और गलती, कि कोई व्यक्ति मासूम है
या फिर दोषी है, ठीक है ना। इनोसेंट माने होता है नॉट गिल्टी, और गिल्टी ये तो आप जानते ही, अपराधी, ठीक है। तो इनोसेंट का मतलब मासूम होता है, तो आप इसका अपोजिट कभी क्लेवर या चालाक मत लिख दीजिएगा, ठीक है। मासूम का मतलब जो अपराधी ना हो, तो मासूम दो प्रकार के होते हैं, एक तो बहुत सीधा साधा जो कि चालाक ना हो, और एक होता है जो अपराधी ना हो। तो अपराधी ना हो वो वाला इनोसेंट होता है, ना कि नॉट क्लेवर वाला। तो नॉट क्लेवर इसका साइनोनिम नहीं बनेगा, या फिर क्लेवर इसका एंटोनिम्स नहीं बनेगा, बल्कि गिल्टी इसका एंटोनिम बनेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना, इनोसेंट और गिल्टी। मुकदमा चलाना सिंपली मतलब होता है ट्राई का, ट्राई समबडी मतलब मुकदमा चलाना। ही वाज ट्राइड फॉर मर्डर, हत्या के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया, ऐसे, ठीक है। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, एक्सप्लिसिट, इविडेंट, अपेरेंट। सबका थोड़ा थोड़ा यूज अलग अलग है, लेकिन सबकी एक ही डायरेक्शन है, सभी ऑब्वियस के साइनोनिम एग्जाम में बन चुके हैं, इसलिए इनको आपको याद कर लेना है। स्पष्ट रैंट होता है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग और कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग इन ए लाउड एंड एंग्री वे। वन वर्ष सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। जोरदार ढंग से शेखी बघारना कह सकते हो, या फिर किसी की आलोचना करना, किसी की मतलब कहने का कंप्लेन करना, ये होता है रैंट। अबेट समबडी होता है टू हेल्प और इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए किसी को सहायता करना या उसे उकसाना, प्रेरित करना, ये होता है अबेट करना, ठीक है। ही वॉज अबेटेड इन द डिसेप्शन बाय हिज वाइफ, मतलब कहने का इन द डिसेप्शन, धोखे के साथ उसको उकसाया गया उसकी पत्नी के द्वारा, ठीक है। रिट्रीब्यूशन फॉर समथिंग, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, रिट्रीब्यूशन होता है बदला। सेवर पनिशमेंट फॉर समथिंग सीरियसली रॉन्ग दैट समबडी हैज डन, किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है उसके लिए उसे कठोर पनिशमेंट देना रिट्रीब्यूशन कहलाता है। रिटेलिएशन माने भी बदला, रिवेंज माने भी बदला या प्रतिशोध होता है, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये साइनोनिम्स एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत ही कॉमन है, इसलिए मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। टार्निश मैंने बताया था छवि बिगाड़ने के लिए आता है। टेंट माने भी होता है, जैसे टेंटेड मिनिस्टर मतलब दागी मंत्री जिसकी छवि बहुत बेकार हो। टू स्पॉइल द गुड ओपिनियन पीपल हैव ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति के बारे में लोगों का जो अच्छा विचार है उसको स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, किसी की छवि बिगाड़ देना, ये होता है टार्निश इमेज, टार्निश द रेपुटेशन, इस तरह करके एटसेट्रा। ही होप्स टू इम्प्रूव द न्यूज़पेपर सम व्हाट टार्निश्ड पब्लिक इमेज, वो आशा करता है सुधारने की न्यूज़पेपर की कुछ बद्दी प्रकार की जो मतलब कहने का छवि है उसको, ठीक है। फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग टू बी अपोजिट टू समथिंग दैट इज यूजुअल और एक्सपेक्टेड, जैसी उम्मीद है, जैसा आम संभावित है, उसके विपरीत कोई चीज़ हो तो वो उसे कहते हैं फ्लाई इन द फेस ऑफ। जैसे सच अ प्रपोजल इज फ्लाइंग इन द फेस ऑफ कॉमन सेंस, इस प्रकार का प्रस्ताव तो बिल्कुल विपरीत दिशा में है कॉमन सेंस के, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिकली अनकैरेक्टरिस्टिकली लिखा है, तो इसका मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, ठीक है। जिसके जो कैरेक्टर में ही ना हो वो काम होने लगे, तो अनकैरेक्टरिस्टिकली होता है। अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड एज बीइंग ट्रू, सच्चाई के रूप में किसी चीज़ को अगर दर्ज किया गया है तो उसे कहते हैं अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ओके। तो ये आपका idiom हो सकता है एक तरह से। न्यूजेंस का मतलब होता है अ थिंग पर्सन और सिचुएशन दैट causes प्रॉब्लम, एक ऐसी चीज जो कि समस्या पैदा करे उसे न्यूजेंस कहते हैं। इंस्ट्रक्टिव होता है गिविंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी देने वाली चीज उसे कहते हैं इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। ट्रेंचेंट समथिंग क्या होता है, क्रिटिसिज्म, आलोचना के लिए आता है ट्रेंचेंट। एक्सप्रेस्ड स्ट्रांगली एंड इफेक्टिवली, जोरदार ढंग से आलोचना को करना, तो उसे कहता है ट्रेंचेंट, या एडजेक्टिव के फॉर्म में होता है ना। तो ट्रेंचेंट क्रिटिक करेंगे तो मतलब कहने का जोरदार आलोचक, जो जोर शोर से आलोचना करे, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। हिज ट्रेंचेंट व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर वेल नोन, उनके जो जोर शोर मतलब ट्रेंचेंट का मतलब सिंपली वही है, जोर शोर ढंग से जो प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण हैं, विचार हैं ऑन सब्जेक्ट किसी विषय पर, आर वेल नोन, बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन है। फर्मेंट माने होता है जोशीला, शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग, बहुत ही स्ट्रांग और सेंसर फीलिंग दिखाने वाला फर्वेंट होता है, जोशीला टाइप का, ठीक है। ट्रेंचेंट का काफ़ी हद तक साइनोनिम बन जाता है, या फिर कभी कभी इन डिफरेंस टू समथिंग मतलब के सम्मान में, ठीक है। द वोमेन वॉर व्हील्स, महिलाएं घूंघट ओढ़ती हैं, इन डिफरेंस टू के सम्मान में, द कस्टम्स ऑफ कंट्री, देश के रीति रिवाजों के सम्मान में महिलाएं घूंघट ओढ़ती हैं, व्हील्स माने घूंघट होता है, ठीक है। और अनवील माने घूंघट ना करना, तो अनवील जब यूएन लगा देते हो तो किसी चीज़ का उद्घाटन करना भी होता है, ठीक है। अनवील जो वर्ड बना है इसी से बना है, व्हील माने घूंघट से ढक लेना, और अनवील माने क्या होता है मतलब कहने का खोल देना, सिंपली अनावरण करना, ये मीनिंग होता है। तो अनवील जो अनावरण करना, किसी का शिलान्यास करना, वो आता है वर्ड, वो इसी में यूएन लगा देता है बस, और कुछ नहीं। अनविकी को अकल वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है ये। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन और इंटेंशन वेरी क्लियरली एंड फर्मली, अपने विचार या इरादे को बड़े ही स्पष्ट रूप से और मजबूती के साथ प्रस्तुत करना, वो होता है अनइक्विवोकल। इक्विवोकल होता है अस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, यानी इक्विवोकल का साइनोनिम एम्बिग्यूअस होता है अस्पष्ट, और अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर, इसका साइनोनिम क्लियर बना सकते हो आप, ठीक है, स्पष्ट रूप से।
इमेरिटस क्या होता है? अ यूनिवर्सिटी टीचर कीप्स द टाइटल एज एन ऑनर ऑल्दो ही और शी हैज स्टॉप्ड वर्किंग. यद्यपि उसने पढ़ाना बंद कर दिया लेकिन टाइटल को अपने सम्मान के रूप में टाइटल बना करके रखे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का, उसे कहते हैं इमेरिटस. ठीक है ना? तो ये थे कुछ वर्ड्स, आई होप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आज के वर्ड्स. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम.